नमस्कार। मौसम की नवीनतम जानकारी के साथ एक बार फिर से हम उपस्थित हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अशीम कुमार मित्रा, आइए सबसे पहले प्रमुख जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 3 और 4 मार्च 2022 को तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकाल में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधि देखने को मिल सकती है। दो पश्चिमी विक्षोभों का आना हो रहा है 3 मार्च 2022 तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उसके आसपास मैदानी इलाकों में। सो मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के मैदानी इलाकों में ये प्रभावित करने जा रहा है। इनसे 3DR की अगर लूप में अगर हम देखें या एनिमेशन में अगर आज की इमेज देखें, ये देखिए जैसा कि हमने बताया बादलों का सघन जमावड़ा दिख रहा है आपको दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पास, और पश्चिमी विक्षोभ आप देख सकते हैं, दो पश्चिमी विक्षोभ का एक तरह से आगमन हो रहा है। आइए अब देखते हैं हमारी वेधशालाओं में जो दर्ज किए गए हैं वर्षा और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी क्या बताती पिछले 24 घंटों के दौरान। जैसा कि हमने बताया था निकोबार आइलैंड में भारी वर्षा दर्ज की गई है, नानकावरी में 9 सेंटीमीटर, कार निकोबार में 8 सेंटीमीटर, केरला की बात करें अलपुजा में 5 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी वर्षा की गतिविधि दर्ज की गई है, अनूपपुर में 4 और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कोरिया जशपुर में भी 3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। आइए अब सबसे पहले हम जाएंगे संयुक्त परिस्थिति सिनॉप्टिक सिचुएशन क्या है। अभी अगर परिस्थिति अगर हम इनसेट 3DR की इमेजरी में देखें, सबसे पहले आपको एक ट्रफ लाइन दिख रही है जो निचले क्षोभ मंडल में स्थित है। अगर हम देखें इसकी जो स्थिति है वास्तविक स्थिति 22 डिग्री उत्तर में और 89 डिग्री पूर्व में है। अब इससे क्या होने जा रहा है, अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर असम और नागालैंड में छिटपुट गरज और बिजली के साथ वर्षा देखने को मिल सकती है। आइए हम बात करेंगे अब दक्षिण बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे भूमध्य रेखीय हिंद महासागर पर अभी एक चक्रवाती परिसंचरण बना है। बादलों का जमावड़ा आप देख सकते हैं, एक बड़े क्लस्टर के रूप में बादलों का जमावड़ा है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। अब इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। अब ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और इसके प्रभाव में आने वाले 24 घंटों के दौरान एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और उसके आने वाले 48 घंटों, उसके बाद के 48 घंटों में ये अब श्रीलंका तट की ओर आगे बढ़ेगा और उसके प्रभाव में 28 फरवरी से 1 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप में गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलेंगी जो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गस्टिंग तक पहुंच सकता है और व्यापक वर्षा जिसमें हल्की और मध्यम वर्षा भी सम्मिलित होगी। 28 फरवरी जो कि आज की अगर हम बात करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं सघन जमावड़ा है बादलों का, निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग भारी वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करेंगे चूंकि ये पश्चिम उत्तर एक तरह से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा श्रीलंका कोस्ट की तरफ, अब इससे क्या होगा 3 से 4 मार्च 2022 को तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकाल में अलग अलग जगह पे भारी से बहुत भारी वर्षा गरज के साथ और हल्की मध्यम वर्षा भी देखने को मिल सकती है। मतलब एक तरह से वर्षा की गतिविधि तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकाल में देखने को मिल सकती है, हल्की मध्यम वर्षा और भारी वर्षा भी होने की संभावना है। अगर हम 4 मार्च की बात करेंगे, रॉयल सीमा की अगर हम बात करें, भारी वर्षा 4 मार्च को होने की संभावना है। आइए अब बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ। जैसा कि हमने एनिमेशन में दिखाया था पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी क्षोभ मंडल में ट्रफ के रूप में है, इसके 28 फरवरी 1 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। 2 मार्च को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक बार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये वाले भाग जैसा कि आप देख सकते हैं छिटपुट व्यापक वर्षा बर्फबारी होने की संभावना है। 2 और 3 मार्च को उत्तराखंड में अलग अलग वर्षा बर्फबारी देखने को मिल सकता है और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों की बात करें हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। अब मछुआरों को चेतावनी देंगे चूंकि दक्षिण बंगाल की खाड़ी में आपने देखा हुआ बादलों का जमावड़ा है, ये भी चक्रवाती परिसंचरण है, साथ ही साथ एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। हवाओं की जो गति होगी वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी पहुंच सकती है। 28 फरवरी को दक्षिण अंडमान सागर और साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पे न जाए, 1 मार्च को साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और उसके साथ साथ दक्षिण अंडमान सागर में न जाए, 2 मार्च को साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में ये गतिविधि रहेगी, 3 मार्च को साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार ऑफ तमिलनाडु कोस्ट, 3 तारीख को तमिलनाडु कोस्ट में ये जो हवाओं की गति होगी वो करीब करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, 4 मार्च को दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु कोस्ट को आंध्रा कोस्ट जो तटीय भाग है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग में जो हवाओं की गति बढ़ेगी, मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे वो ना जाए। ये हमारे 5 दिनों के पूर्वानुमान जैसे कि आप देख सकते हैं और मुख्य रूप से ये देखिए 2-3 से उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित होंगे, साथ ही साथ 3-4 को
दक्षिण प्रायद्वीप में अगर बात करें तमिलनाडु कराईकाल की स्थिति वर्षा देखने को मिल सकती है। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।